हेलो दोस्तों, मैं नवाज आप सभीों का वेलकम करता हूँ इस चैनल पर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल रेफरेंसिंग की। सेल रेफरेंसिंग समझने से पहले हमें रेफरेंसिंग टर्म समझना जरूरी है। ये रेफरेंसिंग का मीनिंग क्या होता है? तो रेफरेंसिंग का मतलब जब हम कोई भी चीज को एड्रेस करते हैं या तो रेफर करते हैं, उस चीज को रेफरेंसिंग कहा जाता है। अगर इस एप्लीकेशन के अलावा आउटर दिस एप्लीकेशन का एग्जाम्पल बताऊं, तो अगर मैं आपको कहूं कि राहुल को जाकर लेकर आओ, तो आप राहुल को लेकर तो आ जाओगे, बट राहुल को लाने के लिए आपको वो एड्रेस की ज़रूरत है जहां राहुल होगा, राइट? तो उस एड्रेस को रेफरेंसिंग कहते हैं। तो चलिए अब हम हमारे एप्लीकेशन विंडो पर समझने की कोशिश करते हैं। इस एप्लीकेशन पर हम कोई भी काम एक सेल पे परफॉर्म करते हैं, इसलिए हर टाइम सेल रेफरेंसिंग पिक्चर में आती है। तो अगर कोई सेल की बात की जाए, तो मैं अगर बोलूं कि मुझे A1 में एक डेटा डालना है, तो हम यहाँ पे ये सेल का यूज़ करेंगे, यानी सेल आपकी पिक्चर में आ गई। मुझे A1 में यहाँ पे राहुल पुट करना है, तो मैंने यहाँ पे राहुल डाल दिया। ओके, तो अब सेल रेफरेंसिंग की बात की जाए, तो आप समझते हैं ये सेल रेफरेंसिंग कैसे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ कि यहाँ पे मैं कुछ सेल्स को हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ बॉर्डर डाला है, तो मैं जो भी सेल्स को हाईलाइट कर रहा हूँ, अब मुझे वो सेल्स में कुछ कंटेंट चाहिए। जैसे कि ये जो भी सेल आपके सामने हाईलाइट है, जैसे F2 हो गई, आपकी K3 हो गई, और उसके बाद आपकी G8 हो गई, तो ये सेल्स में मुझे ये चाहिए कि जो भी मेरे सेल वन में कंटेंट, A1 में जो भी कंटेंट होगा, वो कंटेंट मुझे ये सारे सेल्स में चाहिए। जैसे कि अगर अभी राहुल मेरा A1 में है, तो यही कंटेंट मुझे यहाँ भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए, और यहाँ भी चाहिए। ओके, इसका मतलब अभी मैंने क्या किया, मैंने कॉपी पेस्ट वैल्यू मारा हर सेल में। ओके, अगर मान के चलो गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पे A1 में मेरा नाम आ जाता है, जो कि है नवाज, तो मैं जैसे ही यहाँ पे नवाज डालूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ये नवाज हर जगह पे पॉपुलेट होना चाहिए सेम सेल में, राइट? तो मुझे अभी मैन्युअली हर चीज़ करनी पड़ रही है, यानी मुझे ये डेटा को कॉपी पेस्ट हर इंडिविजुअल सेल में जाके करना होता है। ओके, तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे, सेल रेफरेंसिंग हमें मदद करती है क्या? तो यहाँ पे हम यहाँ पे एड्रेस करेंगे, जैसे कि मुझे ये सेल में एक आउटपुट चाहिए, तो मुझे यहाँ पे फंक्शन का यूज़ करना है या फॉर्मूला का यूज़ करना है, तो हम इसकी शुरुआत करेंगे यहाँ पे इक्वल टू से। अब हमें बोलना है कि इक्वल टू के बाद ये सेल जो होगी, यहाँ पे हम सेल रेफरेंसिंग करेंगे, ये सेल में रहकर, जैसे कि अभी मैं F2 में हूँ, तो मैं F2 में रहकर मैं यहाँ पे एक दूसरी सेल को रेफर करना चाहता हूँ, जो कि है मेरी A1, तो हम यहाँ पे A1 डालेंगे। तो आपने जैसा देख लिया, मैंने इक्वल टू A1 डाल दिया, तो ऑटोमेटिकली A1 सेल हाईलाइट है। इसका मतलब यहाँ पे हमने सेल रेफरेंसिंग का यूज़ किया है, हम F2 में रहकर A1 को रेफर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे ही आप एंटर मारोगे, ऑटोमेटिकली देखो यहाँ पे नवाज आ चुका है। वैसे ही मुझे सारे सेल्स में जाके बस A1 का एड्रेस देना है कि ये सेल में भी आपकी सेल रेफरेंसिंग यूज़ की गई है, जो कि A1, और यहाँ पे भी आपका A1 को रेफर किया गया है। ओके, तो चलिए अब समझते हैं, हम जाते हैं यहाँ पे A1 में, और यहाँ पे डाल के जाके वापस से हम इसको राहुल करते हैं। अब देखो जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर हिट करूँगा, ऑटोमेटिकली हर सेल में राहुल आ चुका है। तो आपने देख लिया सेल रेफरेंसिंग का कमाल। हाँ, तो जैसे ही आप यहाँ पे एक सेल की वैल्यू चेंज होगी, ऑटोमेटिकली सेल रेफरेंसिंग क्या करेगा, वो सेल में से जो भी वैल्यू अपडेट हो चुकी है, वो वैल्यू उसको यहाँ पे अपडेट करेगा। ऐसे ज़रूरी नहीं कि हम एक ही सेल में सेल रेफरेंसिंग यूज़ कर सकते हैं, हम एक काम करते हैं यहाँ पे और एक शीट इंसर्ट करते हैं, जो कि है शीट 2। अब मैं ये बोलता हूँ कि शीट 2 में भी कुछ सेल्स है, जैसे कि ये हो गई और ये हो गई, ये शीट 2 की सेल्स भी मुझे, ये शीट 2 के ये सेल्स में भी, पर्टिकुलर सेल्स में मुझे वही सेल्स से एड्रेस पिक करना है जो शीट 1 के A1 में है। ओके, तो हम यहाँ पे भी सेल रेफरेंसिंग यूज़ करेंगे, हम इक्वल टू करेंगे, अब शीट 1 में जाएंगे और शीट A1 के यहाँ पे हमने एड्रेस कर दिया। तो आप देख रहे हो ऊपर फॉर्मूला बार में शीट A1 आपका आ गया एक्सक्लेमेशन, और उसके बाद आपका A1। तो ये एक तरीका है दूसरी शीट को रेफर करने का, यानी हम ये कहना चाहते हैं कि शीट 2 में हम एट प्रेजेंट है, शीट 2 में हम रेफर किसको करें, शीट 1 के A1 सेल को। तो आप जैसे ही आप एंटर हिट करोगे, देखो यहाँ पे भी राहुल आ चुका है, और सेम एड्रेस हम G5 में भी देना चाहते हैं, तो मैंने अभी बस वो एड्रेस को कॉपी पेस्ट कर लिया। अब एक काम करते हैं, अब हम शीट 1 में आते हैं और यहाँ पे नवाज
वापस से हम यहाँ पे नवाज पुट करते। अब देखो जैसे ही मैंने नवाज किया, एंटर हिट किया, ऑटोमेटिकली देखो यहाँ पे भी आपका दूसरे सेल्स में भी आपने जहाँ पे सेल रेफरेंसिंग यूज़ की थी वहाँ पे भी आपका एड्रेस चेंज हो चुका है। और शीट टू में आकर आप देखो तो शीट टू में भी आपका नवाज आ चुका है। तो आप समझ ही गए होंगे मैं सेल रेफरेंसिंग टर्म की बात किस तरह से कर रहा था। इस तरह से हम सेल रेफरेंसिंग की यूज़ करके हमारा काम आसान करते हैं। तो ये देखकर और समझकर आपको बड़ी खुशी हो गई होगी, और मैं जानता हूँ कि आपके दिमाग में ख्याली पुलाव बनना शुरू हो गया होगा कि ये चीज़ हम हमारे डेटा पर ऐसे या तो वैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब थोड़ा संयम रखो, क्योंकि अब इसे हम थोड़ा एडवांस लेवल पर लेके जाने वाले हैं, ताकि आपकी खुशी दुगना कर सके और आपके कामों को और भी आसान कर सके। तो इस वीडियो में मैं बस आपको एक ओवरव्यू दूंगा कि हम एडवांस लेवल में सेल रेफरेंस को फर्दर 3 पार्ट में बाइफरकेट करने वाले हैं, जो कि है रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस और मिक्स रेफरेंस। तो इन तीनों सेल रेफरेंस को अच्छे से समझने के लिए मैं 3 अलग इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ आ पाए। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। होप आपको हेल्पफुल लगा होगा, और जल्दी ही कोशिश होगी कि इसका कनेक्टेड वीडियो अपलोड कर पाऊँ। बट इसके लिए आपको शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ज़रूरी है, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिल पाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।